हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियेश आनंद और अभी हम लोग जा रहे हैं एक शूट के लिए। एक फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब आज ही मिले हम लोग। एंड वो हिमालयन चलाती है बाइक, उसके पास हिमालयन है। तो हमने बात किया कि लेट्स डू अ शूट टुगेदर। तो सी वाज लाइक ओके। तो हमने आज ही बात किया, आज ही शूट का प्लान कर लिया बिकॉज आज थोड़े फ्री थे, तो हमने सोचा आज ही कर लेते शूट। तो अभी मैं वही उसी के लिए निकला हूँ। ये देखो मेकअप हो रहा है हमारा। ये रोड को एक साल नहीं, दो साल नहीं, उससे भी ज़्यादा हो चुका है। लॉकडाउन से पहले ये रोड ख़राब था, या आज भी ख़राब है, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं है इस रोड के लिए, अब तो आदत सा पड़ गया है कि ये रोड कभी ठीक होगा अभी किया नहीं, पता नहीं। मुझे लगता है अभी ठीक होने वाला है। वैसे आज मैंने अपना चेन क्लीन किया और किसी ने शायद, पता नहीं, मेरा चेन स्प्रे नहीं मिल रहा। घर में रखा था बट वो मिल नहीं रहा, तो मैंने चेन स्प्रे नहीं किया। अभी सामने मैं करूँगा, माइंडा को बोला है ला देने के लिए, वो ला देंगे। तो मैं चेन स्प्रे सामने करूँगा बाइक में अपने। बट अभी ठीक है, चेन फ्री है, बट चेन स्प्रे लगाना ज़रूरी है। अब फटाफट चलते हैं, वो बिहार मोर में मेरे को मिलेगी। तो महावीर और मेरा भैया वो भी जा रहे हैं स्कूटी में और मैं वो बाइक में, तब तो फुटेज ले पाएंगे। दिखता नहीं है क्या साला अंधा? मतलब ऐसा ओवरटेक कोई करता है क्या? देख रहा है गाड़ी है फिर भी घुसाया जा रहा है, अलग ही हाल है। ये सारे बसेस में तो फाइन लगाना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का ओवरटेकिंग स्टाइल अलग ही है। सिर्फ बाइक पे फाइन लगता है, इन लोगों पे तो पता नहीं क्यों फाइन लगता ही नहीं है। NBSTC हो गया, ये सारे बसेस कैसा ओवरटेक करते हैं बट उन पर कोई फाइन नहीं है। अभी मेरा बाइक मक्खन चल रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही गाड़ी से, पहले जो हल्की हल्की आ रही थी चेन की। अगर मैं चेन स्प्रे कर लूँगा उसके बाद मेरा बाइक का साउंड एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा भी नहीं आएगा, एकदम नया जैसा हो जाएगा, बस एग्जॉस्ट का आवाज़ आएगा। एवरेज 14 किलोमीटर दिखा रहा है, ये तो गलत है। ओके, तो अभी हमको यहाँ से लेना है लेफ्ट। इंडिकेटर दे दिया, कहीं भी हिमालयन तो दिख नहीं रहा मेरे को, तो अब करना पड़ेगा टेक्स्ट। आगे जाके रुकता हूँ छाव में थोड़ा, यहाँ पे अब उनको करना पड़ेगा टेक्स्ट कि हम पहुंच गए, वेयर आर यू। अब लेट्स सी, टेक्स्ट तो कर दिया है, अब रिप्लाई आएगा उसके बाद पता चलेगा कहाँ है वो। ये आ गए हैं और मेरा भैया भी आ गया, स्कूटी भी आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमें शूट करना है। एक्चुअली एक प्लेस है MM तराई में, वहाँ पे शूट करना है। वो वहाँ उस प्लेस में कभी गया नहीं, तो हम वहीं पे अभी जा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं। वैसे मैंने आज तक हिमालयन भी नहीं चलाया, तो हिमालयन भी चला लेंगे। ओरी बाबा गर्मी, अभी अपन हिमालयन चलाएंगे। ये KTM चलाएगी, इसका आगे का ब्रेक शू ना टाइट है, ठीक है, वो चेंज करना है। तो आगे का ब्रेक देख लेना, पीछे का तो ठीक है। और मेरे भैया लोग आ रहे हैं। ये कौन सा मॉडल है? BS 4 6? वाह हिमालयन है ये। आई गेस BS 4 तो नहीं लग रहा मेरे को, BS 6 ही होगा। कब लिया था ये? 4 महीने
अब तो BA6 है। कूल गाइस, ये हिमालयन रॉयल फील्ड का ट्रैवलिंग के लिए ये सबका ऑलमोस्ट ड्रीम बाइक होता है। लेट्स गो, चलो। वाह, अरे अरे अरे, इजी 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 इजी। भारी है ना? हाँ, आ जाओ आ जाओ। मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसे फ्लैश लगा था, थैंक गॉड आज फ्लैश ने काम किया है। नहीं नहीं, फ्लैश लगा ना, स्लाइड फ्रेम लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। हेलमेट भी बनता नहीं है क्या? हेलमेट भी नहीं बनता? जो आया, ओ ये न्यूट्रल में है गाड़ी। ओके, आ जाओ। हो गया? अरे कोई नहीं, चलो चलो चल। वो मत लो, ये मत लो, ये मत लो, बस दबाओ, जस्ट ऐसे पुश करो, क्लच दबाओ, स्टैंड उठा। रुको 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 रुको, वन सेकेंड। आई गेस स्टैंड नहीं उठा है। अब करो ये दबाओ, ये बस दबाओ, ये लेना नहीं है। क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे तो सब ठीक है। ओ हाँ, गाड़ी गिरा था ना, एक बार बंद करके ऑन करना पड़ता है, सॉरी, KTM का फीचर। चल चल। ओ भाई, चलो आ जाओ। ओह वाओ, हिमालयन कितना मस्त लग रहा है। ओहो, एक्चुअली उसको हेलमेट लगाना है, इसे थोड़ा मतलब कंफर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वैसा हुआ हादसा। इसमें गियर शिफ्टर का दिखा रहे हैं, हाँ दिखा रहे हैं। वाह, 400 cc है यार, बहुत मज़ा आ रहा है बड़ी बाइक चलाने में। वाह, ओह माय गॉड, नाइस। बट जो भी बोलो, स्पोर्ट्स बाइक है, ऐसा नहीं है कि हिमालयन मतलब अच्छा है तो मेरा ख़राब है, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, हिमालयन ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है, एंड इन फ्यूचर ऑब्वियसली बात है यार, सबको हिमालयन लेते ही हैं, राइडिंग वाले हम भी लेंगे हिमालयन। तो 160 का टॉप स्पीड, वाह, नॉट बैड। अब देखो क्या है कि वो महावीर, अबे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ लैंडस्केप में वीडियो ले रहा है, वो ले रहा है हॉरिजॉन्टल में। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं वो जगह पे जहां हमें जाना है। वाह, ओ वाओ, नॉट बैड। देखो ये सब जगह चलाने के लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी न्यू राइडिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी न्यू राइडर यहाँ पे आके ये सब जगहों में नहीं चला सकता, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है। या वाओ मैन, अच्छा लगा देख के।
ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अब तो। ओके दिस इज द प्लेस। ये ओह ओके ना देखते हैं पहले। देखो मैं जो प्लेस देखा है ना आज तक मैंने फोटोज में देखा है वो प्लेस ये है, दिस वन। ऊपर तो वो है या ये है वो गुफा, गुफा टाइप प्लेस दिख रहा है। तो ये प्लेस में अपने को आना था। मैंने बहुत सारे फोटोज यहाँ पे देखा है, पता है बहुत सारे देखे हैं, बट आज तक मैं ही नहीं आया कभी यहाँ पे। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। वाह नाइस, शूट कर रहे हैं बाइक का वीडियो, हिमालयन का सिनेमैटिक्स, नाइस। अब तुम जाओ बाइक पे बैठो, हेलमेट लगा लेना, हेलमेट लगाना अच्छी है। यस ऐसे रहो, ऐसे ही ऐसे ही। इधर देखो मेरे साइड, लवली लवली। एक इधर से भी लेते हैं, नाइस। अब एक हेलमेट पहनने का लेना, लाइक हेलमेट पहन रहे हो ना ऐसा इधर 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 करके। हाँ नीचे तो इधर घूमो, और जब मैं बोलूँ तब हेलमेट लगाना, ठीक है। जाओ बाइक के पास, जाओ बाइक के पास। हाँ यस, अब लगाओ हेलमेट लगाओ। हाँ बैठो, परफेक्ट परफेक्ट, इतना ही काम था। चलो रुको आप फोटो लेंगे, फोटो फोटो फोटो, मेन तो फोटो है, वीडियोस तो फॉर व्लॉग्स हो जाएगा बट फोटो तो मेन है। अब वी कैन शूट फोटोज। हाँ हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगा लो, अब कंफर्टेबल होंगे अपन। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को भी दिखे। इधर देखो इधर, हाँ अब मैं आ गया रोड पे, अभी मैं घर की तरफ निकल चुका हूँ, ठीक है। और अब बस घर जाना है, कुछ प्लान है मेरे अभी, जैसे मुझे वॉक और थोड़ा सा फुटबॉल खेलना है, वो खेलने के बाद फिर मैं घर आऊँगा, फिर मैं थोड़ा देर गेम वेम खेलूँगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एडिटिंग, और एडिटिंग करने के बाद ये वीडियो हम डालेंगे कब, कल। क्यों? क्योंकि मैं रात भर में एडिटिंग कर लेता हूँ। देखो अभी आप लोग लग रहा हो इतनी जल्दी एडिटिंग कैसे हो जाती है ना, तो मैं पहले बता दूं, मैं अपने हर चीज़ों को ना ऑल सेट करके रखता हूँ, जैसे कलर करेक्शन हो गया मेरा, म्यूजिक्स हो गया, ये सब चीज़ें मैं पहले से ही फाइंड आउट करके रखता हूँ। और सबसे ज़्यादा हार्ड होता है म्यूज़िक एंड कलर करेक्शन मेरे लिस्ट में, मैं इन्हीं को हार्ड मानता हूँ। तो ये दो चीज़ें जब मेरे पास अवेलेबल है तो मुझे क्या होता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता एडिट करने में, ठीक है। ये रास्ता वैसे बहुत अच्छा है ना, बहुत क्लीन है, दोनों साइड नेचर, बीच में एक रोड, इतना सही है, मतलब एकदम एक क्लास रास्ता, मतलब अलग लेवल का रास्ता है ये वाला, एकदम मज़ेदार, कोई टेंशन नहीं। प्लीज़ मत क्रॉस करना, थैंक गॉड इन्होंने देखा लेफ्ट राइट। अब चलो चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जिन्होंने भी वीडियो यहाँ तक देखा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना। यार कितना ही टाइम लगता है सब्सक्राइब एंड शेयर करने में,
सपोर्ट करना चाहिए यार दोस्तों को, आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करो यार, आप करो हम भी करते हैं, आप भी करो, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो और हाँ, अगर आप लोगों ने ये फोटोज़ नहीं देखे हो तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लो मुझे, focus_champ, आप फोटोज़ वहाँ देख पाओगे। और रील्स वगैरह तो मैं डालते रहता हूँ आजकल बाइक के बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे बाइक का पूरा अपना एक पेज है focus_champ फिल्म, जो मेरा पर्सनल पेज था जिसको मैंने प्राइवेट रखा था उसको मैंने अभी पब्लिक कर दिया, वहाँ पे मैं सारे बाइक के फोटोज़ वीडियो सब वहीं डाल रहा हूँ। तो अगर आपको वो पेज भी देखना हो तो focus_champ फिल्म आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम में, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वो पेज देख सकते हो कैसा है। ठीक है, तो चलो अब गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।